आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। आज दिनांक 9 जनवरी 2020 को राजभवन के समीप पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष आलोक रंजन चौबे ने कहा कि मई 2017 से अधर में लटकी हुई पंचायत सचिव की बहाली प्रक्रिया को गणतंत्र दिवस से पहले नियुक्ति पत्र देकर जल्द से जल्द पूर्ण करें, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार की लाचार व्यवस्था के चलते हम लोगों की वैकेंसी अधर में लटकी हुई है। पिछले सरकार के उदासीन रवैये का परिणाम है कि हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। ऐसे में नई सरकार से हमारी अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। हम सरकार से बहाली प्रक्रिया की जल्द पूर्ण करने की मांग करते हैं। रांची से पूजा भारती की रिपोर्ट। हमारे जो 5938 एक नियोजन नीति गवर्नमेंट की आई थी बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में, उसके समय से ये स्टेक और बोल के सारे ऑफिसर लोग हम लोगों को टाल मटोल कर रहे हैं, जबकि हमारे कोई किसी तरह का पाबंद नहीं है। राजस्व कर्मचारी की नौकरी हो चुकी है, हाई स्कूल टीचर और पंचायत सचिव के लोग यहाँ बैठे हैं। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ ये अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाना है। हमें किसी तरह से जो लटका के ऑफिसर लोगों ने रखा है, हमारी नियुक्ति होनी चाहिए। हमारे इस पे किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है, कहीं पे भी कोई नहीं है, सिर्फ ऑफिसर लोग। इस बीजेपी गवर्नमेंट में ऑफिसर शाही के कारण हम लोगों की वैकेंसी अभी तक रुकी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि टीजीटी का वैकेंसी हो। हमारे साथ पंचायत सचिव हैं, हमारे पीछे इनके पे भी लोग रोक के रखे हैं। ये क्यों रुका हुआ है अभी तक, ना सरकार हम लोग क्लियर कर रही है, ना एचआरडी कर रही है, ना जेएससी बोल रही है, ना कहीं से हम लोगों क्लियर। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आप लोग क्या धरना? हमारी मांगे पूरी होगी, वर्तमान सरकार से पूरी उम्मीद है, अपनी सरकार है, झारखंड की सरकार है, इनसे पूरी उम्मीद है कि हमारी मांगे पूरी होगी। यहाँ पे पंचायत सचिव के था, हाई स्कूल टीचर के, सब कोई सफल अभ्यर्थी हैं। हम लोग का एक ही मांग है सरकार से, जैसे हम लोग का नोटिफिकेशन 2017 जनवरी में आया था, 18 जनवरी में एग्ज़ाम होता है, 19 जनवरी में रिजल्ट आता है। तो एक ही चीज़ अगर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि हम लोग का जो नियुक्ति प्रक्रिया में जो देरी हो रहा है, क्योंकि उनका जो मैनिफेस्टो में है कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, महिलाओं के 50% आरक्षण की बात का जिक्र करते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर बेरोजगारी को दूर करना है, अगर रियली में आप दूर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कितने भी धरना में हमारे बैठे छात्र हैं, हाई स्कूल के हैं, पंचायत सचिव के हैं, तो आप लोग कम से कम शुरुआत करें। नियुक्ति प्रक्रिया जो अधर में लटकी हुई है, पहले उसको पूरा करें, बाद में आने वाली वैकेंसियों को देखें, इसी से बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर बैठे हुए हैं, ये एक साल हो गया इस नियुक्ति प्रक्रिया को, आधे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों को वेतन मिल रहा है, लेकिन हम लोग अभी तक सड़क पर ही है। जी हमारी एग्जाम 17 में हुई थी, 2017 में ही जी, अब तक नहीं हुई है, एक साल हुआ उसी एक विज्ञापन से। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो नई नवनियुक्त सरकार आई है वो हमारी मांगों को जल्दी से सुने और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, क्योंकि हम लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं। 95% बहाली हो चुकी है, मात्र 5% हाई स्कूल की बहाली बाकी हुई है, बस हम 95% खास नागरिक शास्त्र विषय, संगीत और संस्कृत विषय के विद्यार्थी ही बचे हुए हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के विद्यार्थियों का हो चुका है, उनका पेमेंट भी शुरू हो गया है, बस हम 5% स्टूडेंट बचे हुए हैं और हमारे साथ ही ये अन्याय हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इतिहास नागरिक शास्त्र के अभ्यर्थियों को अभी तक नहीं दिया गया है, उससे छह जिला के अभ्यर्थियों को नियुक्ति हो चुकी है इतिहास नागरिक विषय में। आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसका मुख्य कारण है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिनका कहना है कि हम लोग के सब्जेक्ट पे स्टे लगा हुआ है, जबकि हाईकोर्ट का साफ साफ कहना है कि किसी भी नियुक्ति पे रोक नहीं लगा हुई है, जिसके लिए हमारे सरकार के जो महाधिवक्ता हैं, हमारे सरकार के महाधिवक्ता का कहना है कि हम लोग के सब्जेक्ट पे स्टे लगा हुआ है, जबकि हाईकोर्ट का कहना है कि इस सब्जेक्ट पे रोक नहीं लगी हुई है। जिस हम लोग इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार दबाव डाल के महाधिवक्ता को निर्देश दे कि हम लोग का जो भी क्लियर करना है वो जल्दी से जल्द करे। हाईकोर्ट का कहना है कि हम लोग का जो स्टे लगा हुआ है सो नहीं है, स्टे लगा हुआ नहीं है, जबकि सरकार का जो महाधिवक्ता है, एजी सर है, उनका कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया में रोक लगी हुई है, जबकि
मतलब कि हाईकोर्ट का कहना है कि रोक नहीं लगेगी, तो सरकार न्यायालय के द्वारा इस चीज को क्लियर करे कि नियुक्ति पर रोक नहीं है, बस इतना ही करना चाहिए। मेरा नाम जयकिशोर साहू हुआ, मैं इतिहास नागरिक विषय का शिक्षक प्रार्थी हूँ। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि हमारी जो हाई स्कूल शिक्षा की जो परीक्षा हुई थी 2017 में हुई थी, और इसका प्रारंभिक जो रिजल्ट था 2018 में निकाला गया, और फिर नवंबर दिसंबर 2018 में हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ।